किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह। तो डेयरी फार्मिंग में हमारी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है मिल्किंग मशीन की। तो आज मैं आपको एक बहुत शानदार एक छोटे से गांव में लेके आया हूँ राजस्थान के, जो कि सीकर जिले में स्थित है। यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि मशीन को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और कौन सी कंपनी की ये मशीन है। तो बहुत ही शानदार आपको एक मिनी जो दूध निकालने की मशीन है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और हम पूरा की पूरी जानकारी इस मशीन के बारे में लेंगे। तो यहाँ पर आपको मशीन लगा के दिखाई जाएगी, ये देखिए। तो मशीन को यहाँ पर चारों थनों में लगा दिया गया है और ये देखें आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दूध आना मशीन में स्टार्ट हो गया है। तो ये देखें आपको दूध निकालना बहुत ही आसान होता है। आपने बहुत सी कंपनियों की मशीनें देखी होंगी, लेकिन ये मशीन जो आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलने वाली है। तो यहाँ पर कंपनी के जो ओनर है वो भी हमारे साथ हैं। तो हम यहाँ पर मेनली देखने के लिए आए थे कि किस प्रकार से मशीन का यूज़ हो रहा है और क्या आपको मशीन लेनी चाहिए या नहीं। तो सर आपका आप अनुभव शेयर करें कि मशीन को यूज़ करने में आपको कोई समस्या हुई अभी तक? अभी तक कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई है। और जो कि हम मेनली देखते हैं कि लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि मिल्किंग मशीन से प्रॉब्लम आ जाती है पशुओं के थनों में, तो क्या आपकी गायों के साथ ऐसा हुआ? नहीं हुआ भी नहीं है। इसे गाय बहुत ज्यादा आरामदायक आराम मिलता है, गाय को आराम मिलता है गाय को। तो मशीन से कटाने के बाद आपको से कम कटवाती है। जी। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप खुद गायों की मिल्किंग कर रही हैं। तो आपको गाय का दूध निकालने में कोई समस्या आई अब तक? नहीं। ये मिल्किंग मशीन जो आप उपयोग कर रही हैं गोधन कंपनी की, तो ये कैसी लगी आपको? बढ़िया है, एकदम अच्छी है। तो कोई समस्या नहीं आई आपको उपयोग करने में? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके बच्चे भी आपके साथ में सारा मिलकर आप पशुपालन कर रहे हो। हाँ, तो क्या ये भी इनको उपयोग कर लेते हैं? सब लगा लेते हैं, बच्चे लगा लेते हैं, हम लगा लेते हैं। अच्छा, कोई भी लगा लेता है मिल्किंग मशीन को उपयोग करने में, कोई समस्या नहीं है? तो लेकिन हाँ, कितने समय से आप इस मिल्किंग मशीन को उपयोग कर रहे हो? 4-5 महीने से आप इसका उपयोग कर रहे हो और अब तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई? और उपयोग करने में काफी ज्यादा आसान है। मैंने आपको जैसा कि कैसे लगाया जाता है, कैसे धोया जाता है, सब कुछ आपको वीडियो में दिखाया है। निकालते हैं उससे सोरा दूध देती है मशीन से। हाँ, हाथ से तो दूध पाती है। जी, अगर आप हाथ से दूध निकालते हैं तो टाइम लगता है, जिससे कि वो उसका दूध चुरा लेती है वापस। हाँ। और मशीन से दूध निकालने में आपको पूरा दूध मिलेगा, यानी कि आप इसको दूध बढ़ना भी एक तरीके से कह सकते हैं। जी हेलो। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे लोगों को। नमस्कार सर, मैं गोधन मिल्किंग मशीन कंपनी से हूँ। मैं वहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करती हूँ। जी। तो हमारी जो कंपनी है वो पुणे में है, महाराष्ट्र में। जी। तो हमारी कंपनी लगभग 2014 से मिल्किंग मशीन के सेक्टर में काम कर रही है। जी। लगभग तब से लेकर अब तक हमने 8,000 से 10,000 मशीन सेल आउट किया और हम काफी जो हमारे किसान भाई है वो मशीन यूज करके काफी खुश है। काफी तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, वो हमारे किसान जो जिन्होंने हमें मशीन ली हुई है उनके घर पे हम विजिट करने आए हैं। जी। तो मतलब उनको कैसे लगा, हमारे मशीन का फीडबैक लेने आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी आया हुआ था, तो यहाँ पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि यहाँ पर मिल्किंग मशीन को काफी अच्छे से यूज किया जा रहा है और मिल्किंग मशीन के साथ में इन किसानों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जो कि आप राजस्थान का एरिया देख सकते हैं जो कि सीकर जिले में आता है। तो मैडम आप अपनी मशीनों के बारे में आप हमें बताएं कि आप कौन कौन सी मशीनें बनाती हैं और मिल्किंग मशीन में कितने प्रकार की आपके पास मिल्किंग मशीनें हैं? अच्छा, तो सर हमारे यहाँ पे कैसा है कि जितने किसानों के पास गाय भैंस होंगे उस हिसाब से हमारी अलग अलग मशीनें आती हैं। जी। मतलब अगर आप देख लो तो सबसे छोटी वाली हमारी जो मशीन है वो 1 से 4 गाय के लिए चलने वाली है, उसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए है। जी। दो सेकेंड नंबर का हमारा मॉडल है वो 8 से 10 पशु के लिए चलता है, वो 2-in-1 मशीन आता है। जी। मतलब वो गाय के लिए भी चलता है और भैंस के लिए भी चलता है, उसकी कीमत आपको आएगी 22,000 रुपए। थोड़ी सी आप इनकी टेक्निकल जो जानकारी है, जैसे कि मोटर कितनी एचपी की लगाई जा गई है, बिजली से ऑपरेटेड होती है या फिर कैसे, ये भी आप हमें बताते चले साथ में। तो कैसे सर, हमारा जो फर्स्ट नंबर का मॉडल है मैंने आपको जो बताया कि 18,000 का है। जी। उसमें आप तकरीबन 1 से लेकर 4 गाय तक का दूध निकाल सकते हो, या घरेलू इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी मशीन है। उसमें आपको 0.35 HP की मोटर आती है। जी। आपको 120 LPM का पंप आता है और 20 लीटर का स्टेनलेस स्टील का बकेट आता है उसी के साथ।
और जो अपना सेकेंड नंबर का मॉडल है जो कि 8 से 10 पशु के लिए चलता है। जो फर्स्ट नंबर का आपका मॉडल है उसकी कीमत है कि कितनी? 18,000 रुपए, जो कि उसमें 20 लीटर का आपको बगट मिलेगा जी। और वो बस 18,000 में आपका सब कुछ इंक्लूडिंग है, मतलब आपका पूरा घर तलक का ट्रांसपोर्टेशन, आपका GST और मशीन का कीमत, तो आपके घर तलक 18,000 में आने वाली मशीन जी। जी, तो इसके लिए कुछ एडवांस पेमेंट आपको करना, उनको करना पड़ेगा कस्टमर को? जी सर, कैसे होता है, 3,000 रुपए भर के हमारी कंपनी को मतलब भरना पड़ता है और उसके बाद में वो बुक करना पड़ती है मशीन, और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट रहता है वो कैश ऑन डिलीवरी रहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हम पहले इनका अमाउंट पे कर देंगे 3,000 रुपए या फिर जो उनका एडवांस होता है, तो वो इसलिए होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ऐसे ही हैं, इनसे फोन करके या फिर बिना मतलब के मशीन मंगा लेते हैं। तो आपकी ये राशि जमानत के तौर पर वहाँ रखी जाती है कि जो कस्टमर है वो इनके साथ में कोई ऐसे गलत ना करे। जबकि इनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो आपको कोई भी यहाँ पर ठगी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही अच्छे से आपको मिल्किंग मशीन आपके घर तक पहुँचाई जाएगी। तो ये एडवांस राशि आपसे इस प्रकार से ली जाती है जी। तो आपने दूसरे मॉडल के बारे में हमें बताया। हमारा दूसरा नंबर का जो मॉडल है सेकंड नंबर का, उसका नाम है GS 150 ऑल जी। जी, तो वो मॉडल में हमारा ऐसा मॉडल है कि जो दोनों पशुओं के लिए चलता है, मतलब गाय के लिए भी और भैंस के लिए भी। उसमें आप 8 से 10 पशुओं का दूध निकाल सकते हो। आधे HP की मोटर आती है, 150 LPM का पंप आता है, और उसके साथ आपको 25 लीटर का बकेट आएगा जी सर। उसकी कीमत आपको 22,000 रुपए आएगी। सेम ऐसे ही है, 22,000 में आपका पूरा घर तलक मशीन मिल जाती है ट्रांसपोर्ट के साथ। ट्रांसपोर्ट के साथ उसमें आप भैंस का दूध भी निकाल सकते हैं और गाय का भी निकाल सकते हैं। जी, जी, वो 2-in-1 मशीन आता है। तो जैसे कि आप भी बहुत सारी जगह विजिट करते हो, आपने भी देखा होगा कि भैंस की मिल्किंग करने में कोई समस्या हुई अब तक? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बस कैसे होता है कि भैंस को अपने ऊपर रहता है कि उसको आदत कैसी लगानी है। जैसे ही आप उसको आदत लगा लेते हो, वो आदत लगा लेती है और वो पूरा 100% सक्सेसफुल है मशीन भैंसों के लिए। जी जी, सक्सेसफुल है क्योंकि यहाँ पर गाय में और भैंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि उनकी जो एक मानसिकता होती है पशुओं की, वो आपको चेंज करनी पड़ती है, जबकि उनका किस प्रकार से मन लग रहा है मशीन से दूध निकलवाने में। जी, तो अपन ने जाना दूसरे मॉडल के बारे में। अच्छा, अभी आप? हाँ, अभी हमारा थर्ड नंबर का मॉडल है। तो उसका नाम है GS 200 ऑयल। ये मशीन तकरीबन जिस किसानों के पास 15 से 20 पशु हो उनके लिए ये मशीन चल जाता है जी। इसमें आपको 1 HP की मोटर आती है, 200 LPM का पंप आता है और 25 लीटर का स्टेनलेस स्टील का बकेट आएगा। जी जी जी, मशीनों के साथ, सारी मशीनों के साथ आपको लगभग 1 साल की वारंटी आती है, 3 साल की गारंटी आती है। जी जी, ये मशीन की कीमत आपको 28,000 पड़ेगी। 28,000 रुपए पड़ेगी जी सर। इसमें आप लगभग 15 से 20 पशुओं की मिल्किंग कर सकते हैं। Yes, तो इसमें भी हम BS की मिल्किंग कर सकते हैं जी। ये भी 2-in-1 मशीन है। अच्छा जी, तो ये हमने जाना तीन मशीन के बारे में। अभी जो हमारी चौथे नंबर की जो मशीन है उसके बारे में बताएं। अभी यहाँ पे इसके आगे जितने भी हमारे मॉडल्स है ना सर, तो जैसे हमारे फार्मर्स के रिक्वायरमेंट, किसान भाइयों की जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस किसी को डबल बकेट चाहिए होगा, तो उस हिसाब से हमारे अलग अलग मशीन है जी। जो डबल बकेट है, 3 बकेट है, 4 बकेट है, तो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम बनवा के उनको दे देते हैं। जी जी जी, तो आप उन हिसाब से प्राइस वगैरह उनको आप बता देंगे? जी सर जी जी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैडम ने आपको बताया तीन मॉडल के बारे में जो कि इनके पास आते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका 18,000 रुपए का, दूसरा है आपका 22,000 रुपए का, और तीसरा है आपका 28,000 रुपए का जी। और तीन मॉडल इन्होंने आपको बताए हैं। उसके बाद अगर आपको कोई और अगर बड़ी मशीन चाहिए तो आप इनके दिए गए नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। और आपको अलग से जो बड़ा मॉडल है, यानी कि आपको अगर 2 बकेट के साथ में चाहिए या फिर आपको ज़्यादा पशुओं के लिए चाहिए, तो वो भी आपको ये उपलब्ध करवा देंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि आपकी जो इसकी मशीन जो आपकी है गोधन कंपनी, तो और मशीनों से क्यों अलग है, यानी कि यही मशीन क्यों खरीदनी चाहिए कस्टमर को? सर, सबसे पहले तो हमने फोकस किया है कि किसानों को मेंटेनेंस कम आए, और मेंटेनेंस कम आते ही क्वालिटी हम अच्छी दे मशीन की। तो जैसे अभी बोलता है कि मशीन की क्वालिटी अच्छी ही दी रहे, तो प्राइस ज्यादा होगी। तो नहीं सर, बजट फ्रेंडली है, आपने देखे होंगे प्राइजेस हमारे। तो उसमें हमने क्या किया है, किसानों को अच्छी क्वालिटी से मशीन दी है जो कि कम बजट में है। जी जी। जो दूसरी बात है कि इसमें हमने क्या किया है कि हमारा 24/7 सर्विस सेंटर है, मतलब आप कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको, मतलब हमारे जो टेक्नीशियंस है उनको कॉल कर सकते हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी प्रॉब्लम वो वहाँ पे सॉल्व कर देंगे वीडियो कॉल के थ्रू। जी जी जी। और दूसरी है कि हमारी मशीन इतनी ईजी है सर कि कोई भी, आपने भी देखा होगा काम पे, कि बच्चे भी लगा रहते हैं, लेडीज भी लगा लेते हैं, सभी कोई लगा लेता है। और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज में आता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आसानी से इसको ले जा सकते हो। जी, तो अगर इसके हम पार्ट की अगर बात करें, तो कि अगर कोई कस्टमर ने आपकी मशीन ली और अगर थोड़े दिन बाद अगर उसके कोई पार्ट खराब हो गया या फिर उसको चाहिए, तो वो कैसे खरीद सकता है?
सर अभी हम एक उत्पादन कंपनी है, उत्पादन कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग जी जी। तो जो भी आपको पार्ट चाहिए होगा आप हमको कॉल कर सकते हो या फिर उस स्पेयर पार्ट का बस हमें फोटो भेज सकते हो, हम आपको उसका प्राइसिंग बता देंगे। मतलब कस्टमर ने अगर हाँ बोल दिया या फिर किसान भाई ने हाँ बोल दिया तो हम लोग उसी टाइम बाहर से वो स्पीड पोस्ट के थ्रू कुरियर के थ्रू वो पार्ट उनको भेज देता है, उपलब्ध करवा देता है जी जी। और अगर आप कोई बंदा अगर वीडियो देख रहा है और इस वीडियो के जरिए आपकी मशीन को खरीदना चाहता है तो खरीदने का प्रोसेस आप थोड़ा सा और हमें बताएं कैसे खरीद सकता है। अच्छा कैसे होता है सर, हमारी कॉल सेंटर की टीम है हमारी कंपनी की, वहाँ पे आपको कॉल करना है मैम, जो भी हमारे जो टीम है वो आपको पहले पूछते हैं कि आपके पास कितने गाय भैंस है, आपकी पूरी जानकारी ली जाती है, पूरे आपके पास कितने पशु है, गाय है भैंस है कौन सी वाली है, तो उसके हिसाब से आपको मशीन बताई जाती है जी जी। फिर बस आपको केवल 3,000 रुपए भर के मशीन बुक करनी है और जो बचे हुए पैसे रहते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी रहता है जी जी जी। तो आपके जब घर पे मशीन पहुंचेगी तब आप बाकी पेमेंट आप कर सकते हैं जी। और जब कैसे रहता है सर, जब भी आप किसानों को मशीन घर पे मिल जाती है ना, उसके बाद भी हमारा ये होता है टेक्नीशियन की टीम होती है, वो उनको पहले कॉल करती है, पहले उनको सॉरी वीडियोस भेजती है, वीडियोस भेजने के बाद वो वीडियो असेंबली के वीडियोस है, तो वो बस इतना असेंबली होता है उसमें कि पाइप्स या फिर जो मिल्किंग ट्यूब है बस उतना छोटा असेंबली है जो कि किसान घर पे बिना कोई हमारे मदद के कर सकते हैं जी जी। तो उसके बाद भी हमारी कंपनी की ओर से उनको एक वीडियो कॉल किया जाता है, लाइव वीडियो कॉल होता है जी जी। तो वो वीडियो कॉल में आपको वो सारी जानकारी बता देते हैं जी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। मैडम ने काफी आसान भाषा में आपको समझाया है कि किस प्रकार से मशीन काम करती है और मशीन आपको इन्हीं की क्यों खरीदनी चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखने आए थे तो किसानों से हम खुद पूछते हैं कि इनको इनकी मशीन कैसी लगी। तो सर आप बताएं हमें कि इनकी मशीन आप कितने दिनों से यूज कर रहे हो? 4-5 महीने से यूज कर रहे हैं। 4-5 महीने से यूज कर रहे हो। आपने मशीन को कैसे खरीदा था? ऑनलाइन ही खरीदा था, मैडम जी को यूट्यूब पे देख के पहले फोन किया था तो मैडम ने बताया कि पहले 3,000 रुपए जमा कराओ जी। तो हमने 3,000 रुपए जमा करवा दिए जी। उसके पश्चात वहाँ पे डिलीवरी आने के बाद वहाँ कोरियर पे पैसे जमा करवा दिए, वहाँ पैसे जमा करवा दिए। तो मशीन आपके पास सही पहुँची जो आपने देखी थी? जो देखी थी वही पहुँची। वही पहुँची। और जैसा कि आपने बताया कि 4-5 महीने से आप मशीन को यूज कर रहे हो तो अब तक कोई समस्या आई आपको मशीन के साथ? नहीं, कोई समस्या नहीं आई। नहीं आई। उपयोग करने में आपको कैसी लगी मशीन? उपयोग करने में बहुत सरल है जी, कोई समस्या नहीं कि आपको नहीं आई? नहीं। और गाय के साथ में कोई प्रॉब्लम हुई कि भाई गाय दूध नहीं दे रही हो मशीन लगाने के बाद या फिर ऐसी कुछ? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, छोटे थन हो या बड़े हो सभी में लग जाती हैं। तो कोई अगर किसान हमारी वीडियो देख रहा है और वीडियो को देख कर वो मशीन खरीदना चाहता है तो आप क्या कहेंगे इस मशीन के बारे में, खरीदनी चाहिए उनको? खरीदनी चाहिए, अच्छी मशीन है। अच्छी मशीन है, पशुओं का दूध भी बढ़ता है, पशुओं के थन सही रहते हैं। और प्राइस कैसी लगी आपको? प्राइस ज्यादा तो नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं जी। तो काफी ज्यादा अच्छी अफोर्डेबल प्राइस है, यानी कि हर एक जो मध्यम वर्गीय किसान है वो इस प्राइस को अफोर्ड कर सकता है, यानी कि ले सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ये देखिए आप, यहाँ पर आपको मिल्किंग मशीन लगाकर दिखाई जाएगी थनों में। तो ऐसे करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप गाय का जो है इसने दूध उतार दिया है थनों में, तो काफी ज्यादा बड़े विकसित थन है गाय के, तो इनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। हमारे साथ इनके जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ में है, जो कि आपको मशीन के बारे में इन्होंने अभी बताया है। ये देखिए छोटे बच्चे भी इनको लगा सकते हैं, गाय को कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीन से। ये देखो और नीचे अंदर दूध आना शुरू हो गया है, क्योंकि नली में आप दूध अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि दूध मशीन के अंदर किस प्रकार से आता है। ये देखो और गाय काफी आराम से चारा खा रही है, गाय को दूध निकलवाने में कोई भी समस्या नहीं है। ये देखिए और दोस्तों मिल्किंग मशीन के काफी सारे बेनिफिट होते हैं, जो कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनसे कॉल कर सकते हैं।